हेलो फ्रेंड्स, मैं सिविल सर्विसेज स्टडी ग्रुप से। आज हम पढ़ेंगे एमपीपीसीएस के लिए करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। और हमने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स और क्वेश्चंस पे ये वीडियो तैयार किया है। तो एक बार एमपीपीसीएस की परीक्षा में बैठने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। ये इस वीडियो का पार्ट वन है, और भी पार्ट्स इसके आएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व पासपोर्ट रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो 78वां स्थान मिला है। 196 देशों के पासपोर्ट में 78वां स्थान भारतीय पासपोर्ट को मिला है। वैज्ञानिकों ने किस तीन रोगों के नाम बताए जो कि अगली वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति पैदा कर सकते हैं? तो ये तीनों हैं, मर्स, लासा बुखार और निपाह वायरस। तो WHO ने इसकी एहतियात बरतने के लिए पहले से ही सावधानियां लेनी शुरू कर दी है इनके लिए। किनके द्वारा लिखित पुस्तक फ्रॉम कलबुर्गी टू अयोध्या प्रकाशित हुई? तो गुलजार इनके लेखक हैं। दुनिया के सबसे छोटे डायनेमिक शहरों में भारत के छह शहरों ने जगह बनाई है। इन शहरों में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो बेंगलुरु पहले स्थान पर है। किस कंपनी को वर्ष 2016 की सबसे अभिनव कंपनी के रूप में नामित किया गया? आंसर है एप्पल। डोनाल्ड ट्रंप ने 23 जनवरी 2017 को किस समझौते से अमेरिका को हटा दिया है? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। डिजिटल भुगतान पर किनकी अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की समिति ने प्रधानमंत्री को अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो इस समिति के अध्यक्ष थे चंद्रबाबू नायडू, और वो पहले से ही डिजिटल कैशलेस सोसाइटी बनाने की बात करते थे, इसलिए उनका कैशलेस सोसाइटी का अध्यक्ष उनको बनाया गया था समिति का। ट्रंप ने किस देश की सीमा पर दीवार बनाने का आदेश दिया है? मैक्सिको की सीमा पर 3200 किलोमीटर की बॉर्डर पे दीवार बनाने का आदेश दिया है। टू बूस्ट स्वच्छ भारत मिशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू डिप्लॉय अराउंड 600 यंग प्रोफेशनल इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। These professional will be called as, उन professionals को क्या कहा जाएगा? जिला स्वच्छ भारत प्रेरक। थल फवांग कूट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो यह आंसर है मिजोरम में। एवरी ईयर नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन December 22 टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम। तो याद रखिए दोस्तों, श्रीनिवास रामानुजम, जो कि एक महान गणितज्ञ थे, भारत के मैथमेटिशियन थे, इन्हीं के बर्थडे पे मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। हु हैज़ वन द 2016 साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द हिंदी नॉवल पारिजात? आंसर है नासिरा शर्मा। चाइना ऑन December 22 लॉन्च्ड अ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग सैटेलाइट टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन दिस कंट्री। नेम द सैटेलाइट। सैटेलाइट का नाम है टैनसेट, जो कि पूरी दुनिया के CO2 के इफेक्ट को मॉनिटर करेगा और उसे कंट्रीज के साथ साझा भी करेगा। Which state's government has announced the creation of a separate ministry for the other backward classes OBC? Answer is Maharashtra. Bhai Mahavir, who passed away on December 3, 2016 in Delhi at 94, was the former governor of which state? Answer hai Madhya Pradesh. The 10 days Tripitak Sutpat Mahotsav is celebrated in which state of to offer a special prayer to Lord Buddha? Answer hai Bihar. Where was the 7th World Ayurveda Congress organized from 1 December to 4 December by the World Ayurveda Foundation with focus on strengthening the Ayurveda ecosystem? Kolkata mein aayojan kiya gaya World Ayurveda Congress ka, aur ye uska 7th session tha. बीजेपी लीडर सुंदरलाल पटवा, हु डेड और December 28 इन भोपाल एट द एज ऑफ 92, हेड सर्व द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? याद रखिए, वो मध्य प्रदेश के
चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। यहाँ पे एक और बात याद रखिए दोस्तों, कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको कि जो बीजेपी के सॉरी जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे राम नरेश यादव, वो उनकी भी डेथ हो गई और वो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, और सुंदरलाल पटवा एमपी के थे एक ज़माने में। विच स्टेट हैज़ इमर्ज एज अ हब ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग? हिमाचल प्रदेश बहुत तेज़ी से उभर रहा है दवाइयों दवाई उद्योग के मामले में। विच फिल्म वन द शॉर्ट फिल्म अवार्ड एट यूनेस्को सैलोन यूथ वीडियो कंपटीशन 2016 इन मराकेश मोरक्को? तो याद रखिए दोस्तों, मैजिकल पियानो। विच टाइप ऑफ सॉइल हैज़ लार्जेस्ट एरिया कंसनट्रेटेड अंडर इन द मध्य प्रदेश? तो ब्लैक सॉइल है, ये कम से कम 46% पे पाई जाती है मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल पे। अरे अहिराई इज द ट्रेडिशनल फोक डांस इज फॉर विच ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश? तो भारिया, भारिया ट्राइब। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश डू नॉट टच एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया? आंसर है हरदा, ये खंडवा एम महाराष्ट्र को, शिवपुरी यूपी को, अशोकनगर राजस्थान को टच करता है, हरदा किसी को टच नहीं करता। भरहूत स्तूपा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? तो भरहूत स्तूपा रीवा में है और बृहत्तरी की गुफाएं विदिशा में है, सॉरी उज्जैन में है, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में है। फर्स्ट एक्सप्रेस वे ऑफ मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवे? इंदौर एंड भोपाल। तो पहला एक्सप्रेस वे बन रहा है मध्य प्रदेश का इंदौर और भोपाल के बीच। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये होशंगाबाद जिले में है। नीलगिरी कर्नाटक में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में, एंड ग्रेट निकोबार आइलैंड बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान निकोबार में है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन? दतिया। फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का पहला सोलर गांव कौन सा है? इटारसी। महेश्वर इज फेमस फॉर सिल्क साड़ी इंडस्ट्री, अहिल्या घाट गिवन, अहिल्या म्यूजियम, ऑल ऑफ ओवर, यहाँ पे सभी के लिए प्रसिद्ध है ये। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ द ओनली प्रोडक्शन सेंटर फॉर द टीवी प्रोग्राम्स? भोपाल में बनाया जा रहा है। वेयर इज द नोट प्रिंटिंग इंडस्ट्री इन द मध्य प्रदेश? इज एट देवास में। जीवन धारा प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू वेल्स, कुओं की खुदाई से रिलेटेड है जीवन धारा प्रोजेक्ट, याद रखिएगा। हाइएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश धूपगढ़ इज इन होशंगाबाद, और होशंगाबाद के सतपुड़ा रेंज में पंचमढ़ी हिल स्टेशन पे धूपगढ़ हाइएस्ट पीक है मध्य प्रदेश का। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? आंसर इज पट्टाभि सीतारमैया। वेन द टाइगर प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड? 1973। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और सेकेंड पार्ट में फिर से एक दूसरा वीडियो लेके आऊँगा मैं, उसमें अलग कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।